बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर सतीश कौशिक ने इंडस्ट्री में बधाई हो बधाई और साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने कॉमेडी भरे अंदाज से लोगों का खूब मनोरंजन किया था और यही वजह थी कि दर्शक इनकी फिल्मों को देखने के बाद हंस हंस कर पागल हो जाते थे। तभी तो आज अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर सभी मायूस हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप अभिनेता सतीश कौशिक के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, पर शायद ही आप इनकी दौलत शोहरत और मृत्यु के सफर के बारे में जानते हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेता सतीश कौशिक की दौलत शोहरत और मृत्यु होने तक के सफर के बारे में बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिस्टर इंडिया, तेरे नाम और राम लखन जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाले अभिनेता सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को पंजाब में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं से कम्प्लीट की। इसी के साथ बात करें, अभिनेता सतीश कौशिक ने अपने करियर में बहुत सी फिल्मों में काम करके आज 120 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली थी और उसी पैसे से इन्होंने मुंबई में एक आलीशान घर खरीदा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा आलीशान और बड़ा नजर आता है। और इनके घर में हर एक चीज की फैसिलिटी अवेलेबल थी, जिनके इस घर की कीमत तकरीबन 10 करोड़ है। इतना ही नहीं, जब ये जिंदा थे तब ये अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल पर भी काफी पैसे खर्च करते थे, जहां ये पैंट शर्ट और कोट पैंट पर 50 से 80 हजार रुपए उड़ा देते थे। इसके साथ ही इन्हें ब्रांडेड शूज करना बेहद पसंद था, जिसमें गुच्ची जैसे ब्रांड शामिल होते थे। वही इनके लग्जीरियस लाइफस्टाइल में चार चांद लगाती है इनकी लग्जीरियस कारें। जी हाँ, इनके पास ऑडी Q7 और BMW जैसी कई लग्जीरियस कारें हैं। अब बात करें अभिनेता सतीश कौशिक के पॉपुलैरिटी के बारे में, तो बता दें इनके इंस्टाग्राम पर 220K फॉलोअर्स हैं। पर अगर बात करें इनके मृत्यु तक के सफर के बारे में, तो बता दें अभिनेता सतीश कौशिक ने साल 1983 में आई फिल्म मासूम से इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा, जहां इस फिल्म में काम करने के बाद इनकी एक्टिंग को कुछ खास पसंद तो नहीं किया गया, पर इन्होंने इस फिल्म के बाद घर वाली बाहर वाली और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त कॉमेडी और एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। साथ ही इन्होंने तेरे नाम और बधाई हो बधाई जैसी कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है। वहीं इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने डायलॉग्स भी दिए हैं और इसी वजह से आज अभिनेता सतीश कौशिक बॉलीवुड के जाने माने और टैलेंटेड अभिनेता कहे जाते थे। पर अफसोस, इतने ज्यादा टैलेंटेड अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, 9 मार्च 2023 को इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। बता दे, दिल्ली के गुड़गांव में ये अपने किसी फ्रेंड से मिलकर आ रहे थे और तब कार में ही इन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ और तब इन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, तो वहाँ पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है। वेल दोस्तों, आप अभिनेता सतीश कौशिक की दौलत शोहरत और मृत्यु तक के सफर के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।